बाड़मेर शहर में दिन प्रतिदिन कोरोना के मरीज सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं बढ़ते मरीजों के बाद शनिवार से 7 दिनों के लिए बाड़मेर शहर एक बार फिर से लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के दूसरे दिन भी बाजार बंद होने से सन्नाटा पसरा रहा। बाजारों में मेडिकल स्टोर, डेयरी के अलावा सभी दुकानें बंद नजर आई। बाड़मेर शहर में शुक्रवार को बड़े कोरोना विस्फोट के बाद जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने शुक्रवार शाम आदेश जारी करते हुए बाड़मेर शहर में अगले 7 दिनों के लिए धारा 144 लगाते हुए कर्फ्यू की घोषणा कर दी। आदेश के बाद रविवार को दूसरे दिन भी बाड़मेर के बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा और विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद नजर आए। शहर के विभिन्न इलाकों में जहां चिकित्सा संस्थाओं के साथ साथ मेडिकल स्टोर, दूध डेयरी खुले रहे तो बाकी सारे प्रतिष्ठान बंद नजर आए। दोपहर 2 बजे के बाद शहर के मुख्य स्टेशन रोड, मालगोदाम रोड, रायकोलानी रोड, चौटन रोड, सिंदरी सर्किल, तनसिंह सर्किल, पुलिस लाइन रोड समेत शहर के विभिन्न इलाकों में सन्नाटा पसरा नजर आया और समस्त प्रतिष्ठान बंद रहे। वहीं बंद के दौरान प्रभावित इलाकों समेत शहर के मुख्य मार्गों एवं चौराहों पर पुलिस के गश्ती दल सुरक्षा व्यवस्था में तैनात नजर आए। गौरतलब है कि शुक्रवार को शहर में एक साथ 33 कोरोना मरीज मिलने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने व्यापार मंडल, स्वयंसेवी संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर सर्व सहमति से बाड़मेर शहर को शनिवार से अगले 7 दिन तक के लिए लॉकडाउन करने का निर्णय लिया था। 7 दिवसीय लॉकडाउन के दूसरे दिन रविवार को बाड़मेर के बाजार बंद नजर आए। आगामी 5 दिनों तक चलने वाले लॉकडाउन के बाद जिला प्रशासन द्वारा स्थितियों की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद लॉकडाउन को बढ़ाने अथवा समाप्त करने का निर्णय लिया जाएगा।